हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेरीज वर्ल्ड। सो टुडेज वीडियो विल बी अबाउट gearbest.com। सो ये एक ऐप है, मतलब वेबसाइट है gearbest.com, और इसमें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मेकअप, ज्वेलरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, मेकअप ब्रशेस एंड बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट में आपको। सो आपको अगर चेकआउट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना, और कुछ कूपन कोड्स के भी आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेक कर लेना वहाँ से। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ज्वेलरीज जो मैंने ली है gearbest.com से, एंड इंस्ट्रूमेंट लिए क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। सो जो क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे नोज को क्लियर करने के काम आएगा। मैं तो आपको दिखा देती हूँ, ये वैक्यूम टाइप में है, मल्टी फंक्शनिंग क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे नोज के जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, और फेस पे भी जो व्हाइट हेड्स हमें हो जाते हैं, हम उसको जो है यूज़ करने के काम आएंगे। सो मैं आपके साथ ज्वेलरी और ब्रश के सेट भी लिए हैं मैंने, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ, और ये मैंने 900 रुपीज़ में लिया है, एंड ये इस टाइप की है मशीन। और इसमें आगे वैक्यूम के लिए हमें 3, 4, 5 दिए हुए हैं अलग अलग, जिससे कि जिससे हमें सही रहे, हम उससे क्लीन कर सकते हैं। सो ये जो है ये तो नोज़ क्लीन करने के काम आएगा, नोज़ पे जो वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स होते हैं। और मैंने गर्ल्स इसे ट्राई भी करा है, सो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैंने इसे ट्राई करा अपने नोज़ पे भी और अपने ब्रदर के नोज़ पे भी। सो ब्लैक हेड्स मेरे और मेरे ब्रदर के नोज़ पे नहीं थे, तो ब्लैक हेड्स तो निकले नहीं थे, नहीं तो निकले ही नहीं। और वाइट हेड्स थे, तो वाइट मेरे मेरे नोज़ पे तो नहीं थे, तो ब्रदर के नोज पे थे। सो व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा निकले थे इसमें, इसने इतना अच्छे से इसने वर्क किया था। और इसमें 3 स्पीड हमें मिलती है, फर्स्ट होती है ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 है इसमें। आपको जो प्रॉपर लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो इसे, और इसे चार्ज करना होता है यहाँ से। सो इसे चार्ज करना होता है, और इसमें हम इसे चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे कि ये है नोज़ के लिए, और फेस पे भी हमारे व्हाइट हेड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें ये इस टाइप की ज़रूरत पड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ऐसे ऐसे फेस पे करने में, बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये सारे इसमें अलग अलग हमें दे रखे हैं कि किसको कैसे कहाँ यूज़ करना है। सो ये वैक्यूम टाइप में है, और गर्ल्स और गाइज ये बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रॉड टाइप में है, ये सीरियसली हमारे नोज़ को क्लीन करता है। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसका डेमो भी आपको दूंगी, दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से हमारे नोज़ को क्लीन करता है या नहीं करता है। सो ये मुझे अच्छा लगा, और 900 रुपीज़ में है, और हम चारकोल मास्क भी 400 तक का ले लेते हैं जो हमें मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, क्योंकि चारकोल मास्क को रिमूव करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और इसमें आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, बस ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, थोड़ी सेंसेशन होती है, बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। सो उस पेन से अच्छा बेटर ये है, और ये बहुत अच्छे से आपको दिखेंगे भी रिजल्ट, इसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा कि हमारे व्हाइट हेड्स निकले हैं, ब्लैक हेड्स निकले हैं, क्या निकले हैं। और जो नोज़ भी है वो भी बहुत क्लीन लगती है। सो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। अगर आपको लेना है gearbest से तो आप देख लेना, मैं gearbest का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, सो आप लेना, है बहुत अच्छा है। सो इसका रिव्यू तो मैं आपको दे दूंगी थोड़े दिनों में। सो ये था, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले ब्रश सेट जो मैंने लिया है। सो ये जो ब्रश सेट था ये आपको 400 समथिंग में मिल जाएगा, एंड गाइज आप सोचो 400 रुपीज़ में आपको इतने सारे ब्रश मिल रहे हैं। और ये आई शेडो ब्रशेज हैं, सारे आई मेकअप के लिए यूज़ होंगे। सो वो कितने सारे ब्रश हैं, और सारे ही अलग अलग हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग यूज़ है। सो ये एक स्पूली है, और ये मेकअप वो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए है, और ये सारे जितने ही ब्रशेज हैं बाकी ये सब आई शेडो के लिए हैं, आई शेडो प्रॉपर जिनको लगाना आता है। मैं और ये 400 समथिंग का था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेट, और मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी किसी मेकअप ट्यूटोरियल में, और फिर आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे है अप्लाई करने में। सो ये थे ब्रश सेट, और इसका प्राइस 400 समथिंग था। उसके बाद ये है ज्वेलरी, और मैंने 2 ज्वेलरी पीस लिए थे इस पे से। सो सबसे फर्स्ट तो ये क्यूट सा है यूनिकॉर्न का नेक पीस एंड टॉप्स। सो गाइज मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, उस साइड पे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट उसमें थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मेरे को बड़ा नहीं चाहिए था, मैं छोटा ही चाह रही थी, और ये वैसा ही आया है जैसा मैंने सोचा था। और गोल्ड में है ये, चेन की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और ये जिस टाइप की चेन है आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी की चेन है, और ये यूनिकॉर्न में है कुछ इस टाइप का है ये, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और ये था 120 रुपीज़ का,
सो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा यूनिकॉर्न में। और इसमें और भी अलग अलग थे ऑप्शंस, सो 120 या 130 रुपीज़ का था ये। नेक्स्ट है ये ज्वेलरी नेक पीस, और ये नेक पीस भी बहुत ही प्रिटी है। सो ये हम साड़ी वाड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। और ये गोल्डन में है इसका जो मतलब अंदर का है वो, और ये जो डायमंड लगे हुए हैं इस पर। सो ये इयर रिंग्स हैं एंड ये नेक पहनने वाला है। मैं आपको वेयर करके भी दिखा दूँगी किसी के साड़ी वाड़ी किसी के साथ, लेकिन पिक इंसर्ट कर दूँगी मैं कभी। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और इसका प्राइस था 400 आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ था, ओनली 400। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा वेयर करने के बाद, वेयर भी करा था मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। सो ये था एक नेक पीस। उसके बाद है ये वॉच। सो ये वॉच मेरे को रोज़ गोल्ड चूज़ करनी थी, बट मेरे मिस्टेक से गोल्डन चूज़ कर ली थी, बट मेरे को रोज़ गोल्ड चाहिए था। सो ये गोल्ड में है एंड ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे हैंड्स पे। सो देखते हैं इसका क्या करना है। और लूज़ भी है बट क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही थी मुझे, अच्छी लग रही है मिरर की भी और वैसे भी अच्छी है ये वॉच। सो गोल्ड में आ गई बट मेरे को रोज़ गोल्ड चाहिए थी। और इसका प्राइस था 300 समथिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको भी इस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो। इस वेबसाइट से आपको मैक्सिमम 25 डेज में रिसीव हो जाएंगे, मुझे 15 डेज में रिसीव हो गए सारे प्रोडक्ट्स। सो आप भी ले सकते हो। और इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एक ही पैकेजिंग में रिसीव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग रिसीव होगा। आप जैसे कि मैंने एक बारी में 7-8 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे तो सारे एक पैकेट में आए थे, और मेरे नेक्स्ट ऑर्डर वगैरह वो भी एक पैकेट में ही आएंगे, अलग अलग नहीं आते हैं जैसे कि अली एक्सप्रेस पे आते हैं, विश ऐप पे आते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे क्लब फैक्ट्री पे एक ही पैकेट में आता है, वैसे ही इस पे भी एक पैकेट में आता है सारा राख होके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।